तो सेल के सीजन में नया फोन ले लिया आपने, नहीं लिया है तो मैं प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, अभी भी कुछ अच्छे डील्स चल रहे हैं जैसे S23 नियो या फिर H50 प्रो भी है। लेकिन अगर आपने नया फोन लिया हुआ है, शायद आपने ऑलरेडी सेटअप कर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया हुआ है दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सेटअप किया हुआ है इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आपने ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, फ्रॉम सेटअप, फ्रॉम हार्डवेयर, फ्रॉम सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज, नए फोन लेने के बाद आपने क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपने नया फोन नहीं लिया हुआ है नो प्रॉब्लम्स, आप फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो। जिन्होंने लिया हुआ है आई एम श्योर कोई ना कोई आपके फैमिली में होगा, फ्रेंड्स में होगा, जिन्होंने नया फोन लिया होगा इस सेल के सीजन में, सो डू इट राइट नाउ। वैसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं अब अगले एक दो महीने में, जहां पे नए फोन पे आपने क्या क्या करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूं, सो डू दैट। चलिए क्विकली आपको बता दूं कि जब नया फोन लेते हो, पहले बार बॉक्स से निकालते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ता है, एंड देन यू हैव मल्टीपल 5-6 स्क्रीन्स, इट डिपेंड्स कौन से ब्रांड का फोन लिया आपने, उस हिसाब से अलग अलग चीजें आती है आपके फोन में। लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज वगैरह जो है वो बराबर से चूज कीजिए, अगर आपको हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, चूज दैट। बट वो होने के बाद ना बहुत सारे जो आते हैं स्क्रीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस के होते हैं, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑप्शनल होते हैं, सबको टिक मार्क मत कीजिए एग्री देखने के लिए, सिर्फ वही टिक मार्क कीजिए जिसकी वजह से आपका जो बटन है वो ब्लू हो जाता है एग्री का, और एग्री करके आगे जाइए। मतलब जितना हो सके डार्क पैटर्न्स या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अनचेक ही कीजिए जितना हो सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा जो है ना आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो स्मॉल फाइन प्रिंट होती है ना, उसमें यही लिखा होता है कि हम आपका डेटा इस्तेमाल करने वाले, आप ये कर रहे हो तो हम ये करने वाले, आप ये कर रहे हो तो हम ये करने वाले, ना ही कह दीजिए ना सीधा। और हाँ, कुछ डार्क पैटर्न्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं है मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, आई मीन ब्रांड्स आर गेटिंग स्मार्टर बट यू हैव टू बी इवन मोर स्मार्ट। और ऑब्वियसली दोस्तों ये एंड्रॉइड है तो गूगल का अकाउंट तो लगने वाला है, एंड सबके पास 99% लोगों के पास होता है। पुराने फोन से आप शिफ्ट हो रहे हो तो ऑब्वियसली उधर रिस्टोर कीजिए, इधर आपको सब आपके कॉन्टैक्ट, ये सब इमेजेस जो है वो सब आ जाएंगे, क्योंकि गूगल ड्राइव पे बैकअप होता है, सो यू नो दैट इज देयर। अगर आपका गूगल का अकाउंट नहीं है तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, सब डिटेल्स वगैरह देने होंगे। लेकिन एक बात कीजिए दोस्तों, आपका जो पासवर्ड होता है ना, कीप इट सेफ एंड मतलब आपके दिमाग में लिख के मत रखिए, वरना मिल जाएगा किसे। हाँ, और एक चीज, डिफॉल्ट सर्च, अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई आप डिफॉल्ट नहीं हो सकते हो, जी हाँ, बाकी के सर्च इंजिन को भी कुछ मौका दीजिए। तो अब गूगल ने बाय डिफॉल्ट गूगल नहीं रखा हुआ है सर्च इंजिन, आपको चूज करना होता है, और 10-15 ऑप्शन दिए होते हैं, कभी कभी गूगल का ऑप्शन नीचे होता है, ऊपर होता है। राइट नाउ आई विल से यूज गूगल ओनली बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। ये एक डार्क पैटर्न जनरली मैंने देखा हुआ है, तो मैं कहा ये स्पेसिफिकली बता दूं कि खुद के जो एप्स होते हैं ना, ये थर्ड पार्टी apps, bloatware वगैरह, वो एक स्क्रीन आती है एंड बाय डिफॉल्ट चेक्ड होते हैं कि do you want to install this, और वो बड़े प्यार से लिखते हैं, you know, कि these apps will be installed, मतलब आपको लगता है हाँ चलो ठीक है आप नेक्स्ट करते हो, नहीं, अनचेक कीजिए, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। आपको अगर उसमें से कुछ अच्छा दिखता है प्ले स्टोर में जाइए और फिर उधर से सर्च करके इंस्टॉल कीजिए आपको जो चाहिए। ये सेटअप करते समय प्लीज डोंट डू इट। वो सब सेटअप कर दिया, आप होम स्क्रीन पे आ गए, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आई विल टेल यू, एक बार आप फोन, स्मार्टफोन जब आप लेते हो, यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, यू नो प्राइवेसी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, ये सब चीजें जो सेटअप करनी है ना, वो सेटिंग्स में जाइए, सबसे पहले वो कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू हियर कि जो फेस आईडी होता है वो एक कंफर्ट फीचर है, सिक्योरिटी फीचर नहीं है, इसीलिए बैकअप जो आपका होगा वो पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखिए, या फिर पिन नंबर जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखिए, जो ताकि लोगों को पता ना चल सके। आई थिंक बाकी के एप्स तो इंस्टॉल कीजिए, लेकिन सबसे पहला ऐप जो आपके फोन में होना चाहिए वो गूगल का फाइंड माई डिवाइस। कभी पता नहीं चलता है कि आपका फोन कब गुम होने वाला है, चोरी होने वाला है, तब इसका फायदा होता है, बट बहुत लोग भूल जाते हैं। तो फाइंड माई डिवाइस ये ऐप जो है, प्लीज इंस्टॉल इट फर्स्ट एंड सेट इट अप प्रॉपरली। अच्छा, अब अपडेट्स, जब हम अपडेट्स बोलते हैं ना, जनरली बात होती है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, कभी कभी सिक्योरिटी अपडेट्स के भी बारे में बात होती है, लेकिन आपको पता है एक इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जो आपने जब नया फोन लेते हो ना, यू शुड एक्चुअली डू इट, और वो मैन्युअली करना पड़ता है, प्ले सर्विसेज अपडेट। इसेंशियली जो एंड्रॉइड का ऐप इकोसिस्टम है ना, उसके पीछे जो भी चीजें लगती है, कोड लगता है, वो भी अपडेट करता है, लेटेस्ट नए फीचर्स लेके आता है, और वो जनरली लोग नहीं करते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो जाते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स भी हो जाते हैं, बट प्ले सर्विसेज अपडेट नहीं होता है, वो जरूर कीजिएगा, और वो मैन्युअली करना पड़ता है, सो डू दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी इटसेल्फ।
और एक चीज मैंने देखी और कोई भी नहीं करता है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत बार OTPs जो आते हैं ना वो लॉक स्क्रीन पे भी दिखते हैं एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो सेटिंग्स में जाके, सिक्योरिटी में जाके आप एक चीज कीजिए, तो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन होते हैं ना, निकाल दीजिए। नो वरना सोचिए, गलती से आपका फोन किसी के हाथ में चला गया, उसको खोलना तो नहीं आता है, लॉक्ड है स्क्रीन, लेकिन उसको OTP आपका मिल रहा है, कितना नुकसान हो सकता है। और दो सेटिंग्स आपने चेक करने चाहिए, एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग ये ऑन है क्या नहीं देखिए, एंड स्कैनिंग फॉर डिसेप्टिव एप्स, ये दो जो ऑप्शंस है ना ये हमेशा ऑन होने चाहिए, बिकॉज दैट विल सेव यू फ्रॉम एनी मैलवेयर वगैरह। ऐसा कोई ऐप होगा जिसके अंदर मैलवेयर होगा वो बराबर चेक करेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलिए ये सिक्योरिटी के हो गए, अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। और इधर यू नो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, बट जब आप सेटअप करते हो ना तब वाईफाई कॉलिंग जो है ये ऑन रखिए, VoNR वॉइस ओवर 5G जो होता है वो ऑन रखिए, देखिए कैसे परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक और सो, मतलब 5-6 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। अगर कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, कनेक्टिविटी बराबर से नहीं मिल रही, उन्हें ऑफ कीजिएगा, नॉर्मल 4G पे आपके कॉल्स वगैरह होने दीजिए, देन इट प्रोबेबली विल गेट बेटर। तो इधर थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है, बट बाय डिफॉल्ट ऑन रखिए स्टार्ट। मैं इसे इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे अगर किसी ने फोन किया और मुझे इमीडिएटली फोन लेना है, जनरली मेरा साइलेंट होता है, बट एक जो गूगल डायलर में फीचर है बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग रिंगटोन एज पर कॉलर, मतलब कॉलर इस कॉलर ने कॉल किया तो ये रिंगटोन बजेगी, ये कितने लोगों ने इस्तेमाल किया नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। लेकिन अगर आपके भी कोई स्पेशल लोग होंगे, जी हाँ, ऐसे कीजिए, आपको पता चल जाएगा विदाउट लुकिंग। मैसेजेस में जो कॉल प्रोटेक्शन, SMS प्रोटेक्शन जो होता है, स्पैम प्रोटेक्शन, वो ऑन कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ऑन कॉलर में होता है शायद, फॉर कॉल स्पैम, कॉलर आईडी वगैरह उसके लिए होता है, बट SMS के लिए नहीं होता है, वो भी आप ऑन कीजिए। और ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आपकी जो बैटरी है ना वो अगर ऑप्टिमल हेल्थ में आपको चाहिए, देन यू शुड चार्ज इट टिल 80-85-90%, और बहुत सारे फोन्स में ये ऑप्शन आता है, तो वो ऑन कीजिए। मतलब अगर आपकी 2 साल चलने वाली होगी तो ये आप प्रॉपरली उसे चार्ज करोगे कि पूरा डिस्चार्ज, 0% डिस्चार्ज से 100% नहीं, वो स्ट्रेस होता है बैटरी पे, तो 10-15-20% पे आ गया, चार्ज पे रखिए, 80-90% हो गया, निकाल दीजिए। एंड वो ऑप्शन भी आप कर सकते हो, इसके आगे चार्ज ही मत करो, सो डू दैट। कुछ कुछ फोन्स में तो ये भी सेटिंग होता है ऑप्टिमाइज चार्जिंग एनेबल, तो वो एनेबल करके रखिए। आए दिन नए नए फीचर्स आते रहते हैं, इट इज अ गुड हैबिट। जब आप नया फोन लोगे तो आप सेटिंग्स में जाइए, मैं तो अभी भी ऐसे करता हूं, जब भी कोई, हर 3 महीने में फोन शिफ्ट करता हूं, बट फिर भी आई विल गो एंड चेक एंड आई विल फाइंड समथिंग न्यू। सेटिंग्स में जाइए, हर एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके अंदर सब ऑप्शंस होंगे, वो देखिए उसके अंदर होंगे, सब कुछ देखिए, आपको फोन ज्यादा पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या नए फीचर्स आए हुए। और चिंता मत कीजिए, अगर आपने कुछ गलत इधर उधर गलत कर दिया, डिस्प्ले में कुछ चेंज हो गया या फिर आपके कनेक्टिविटी में कुछ चेंज हो गया, तो अब एंड्रॉइड जो है ना ग्रैनुलर कंट्रोल भी आपको देता है, पूरा फोन रीसेट करने की जरूरत नहीं है आपको। सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट गो अहेड, आपको जो लगता है वो ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, सो डू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, नियर बाय शेयर पहले था, आप क्विक शेयर हो गया, और उसमें ऑप्शंस होते हैं कि शेयर फाइल्स विद एवरीवन, विद योर कॉन्टैक्ट्स ओनली, एंड आपके अकाउंट में जितने डिवाइसेस है, सो विद योर अकाउंट, आपने एवरीवन को डिसेबल करना चाहिए, बाकी जो करना है कीजिए, बट एवरीवन जो है वो ऑन मत रखिए। जी हाँ, उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी आपको फाइल भेज सकता है, ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा, आ जाएगा आपके फोन के ऊपर, एंड इट कैन बी अ नॉट अ वेरी गुड फाइल, सो जी हाँ, ओनली विद कॉन्टैक्ट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। वैसे और भी वीडियोस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा हम एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे, क्या कौन से एक्सेसरीज आपने लेने चाहिए, सजेशंस भी देने वाले, बहुत सारे दूसरे वीडियोस आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, सो जैसे ही अपलोड करते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।